मैं निवान के पास जा रहा हूं अब। ऑल राइट, निवान आम आदमी पार्टी से। निवान, दिल्ली में तो एक ही चरण में सातों सीटों पर वोटिंग है, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? देखिए, बहुत बहुत नमस्कार, और सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई सभी को। और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा उत्सव जो है वो हम लोग मनाने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया है, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। और जैसे कि जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, देखिए, हम लोग योद्धाओं की पार्टी, हमारे जो लीडर्स हैं वो योद्धा हैं, वो लड़ने में यकीन रखते हैं। हम लोग ज्यादा इन चीजों में नहीं जाएंगे कि डेट क्या है या क्या। जो अगर कोई बीजेपी से ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो सबके हिसाब से डेट्स रखेंगे, मुझे लगता है कि वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। जो उन्होंने अनाउंस किया है, हमारा काम ये है कि हम लड़ेंगे, हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता को हम अवेयर करेंगे, जनता को बताएंगे कि देश की स्थिति क्या है, क्या आपको टीवी पर क्या दिख रहा है और रियलिटी क्या है, हम जनता को बताएंगे और हम लड़ेंगे। और जहां तक इलेक्शन कमीशन की बात है, देखिए, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन के लिए ये चुनाव बहुत ही मुश्किल होने वाला है। जिस तरह से हमने देखा कि ये जो पार्टी सत्ता में बैठी है, ये किस तरह से चुनावों को हाईजैक करती है, किस तरह से ये ब्लैकमेल करती है, किस तरह से ये वोटों की चोरी करती है, तो ये सब रोकना इलेक्शन कमीशन के लिए मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। चंडीगढ़ में तो ये भगवान के आशीर्वाद से जो है सब कुछ कैमरे पे कैद हो गया, तो ये एक्सपोज हो गए। नहीं तो जहां जो पूरे देश में चुनाव होने वाला है, इतने बड़े स्तर पर चुनाव होने वाला है, मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन के सामने बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और आई एम श्योर कि वो निष्पक्ष तरीके से काम करेंगे। हर आम पोलिंग आदमी बूथ पार्टी पर निवान, तैयार हर है। पोलिंग बूथ पर वैसे वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, आपकी जानकारी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, पोलिंग बूथ पर भी जो उसके बाद की प्रक्रियाएं भी हैं, जो उससे पहले की प्रक्रियाएं भी हैं, उसकी जो भी, रास्ते का पहले की भी और ट्रैवल भी बाद है, की भी बहुत सारी वीडियो रिकॉर्डिंग चीजें होती है निवान। बिल्कुल बिल्कुल हर एक पे नजर रखनी जरूरी है। कितनी वीडियो रिकॉर्डिंग्स हमारे सामने आ जाएंगी, वो देखिए, हर वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे सामने नहीं आ सकती। तो जो भी ऑफिसर्स डिप्लॉयड हैं, हम तो ये कहते हैं कि बस वो ध्यान रखें, क्योंकि हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है इस पार्टी पे जो सत्ता में बैठी है। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। आम आदमी पार्टी तैयार है लड़ने के लिए। हम चुनाव लड़ने के लिए जाने जाते हैं। हम गुजरात में इनके गढ़ में घुस के लड़के आए, हम पंजाब में जो है वो पुराने पुराने जितने दिग्गज बैठे थे उनसे, उनके घर में घुस के लड़के आए। हम दिल्ली में जाने जाते हैं कि पूरी की पूरी बीजेपी इकट्ठी हो गई थी, और पूरी की पूरी देश की बीजेपी इन्होंने दिल्ली में इकट्ठी कर दी थी। हमने हमने लड़के चुनाव जीता। हम लड़ने में विश्वास करते हैं, और लड़के अपने देश के कानून के हिसाब से चुनाव जीतने में विश्वास रखते हैं। हम लड़ेंगे, हम तैयार हैं, और पूरे देश की जनता जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि इस आपको मेरे चुनाव ख्याल में जो है से, आपको निर्णायक देखिए, निर्णय एक देने सेकंड, वाली है। एक सेकंड, ओके निवान, आपको ज्यादा शिकायत इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि दिल्ली और पंजाब में तो एक ही चरण में मतदान हो जाएगा, ज्यादा लंबा नहीं खींचा गया सर, है। तो आपको मैंने बाकी ये आप जो आपके जी साथी दल हैं, इंडिया गठबंधन के, जो ये आरोप लगा रहे हैं, मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए फिर। सर देखिए, जो साथी दल आरोप लगा रहे हैं उनके पीछे वजह है। वो देख चुके हैं कि क्या अभी तक ये जो नहीं, मैं आपसे सत्ताधारी पूछ रहा दल हूं, है आम ये आदमी क्या पार्टी करता को है। दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। उनके आरोप अपनी जगह सही है। आम आदमी पार्टी की बात ये है कि आम आदमी पार्टी को कोई फर्क नहीं करता, ये साम दाम दंड भेद जो मर्जी कर ले, हम लड़ने के मैदान में उतरे हैं। एक चौपाटी के मिनट, नहीं, कमी एक भी सेकंड हो निवान, या एक ये सेकंड, एक कुछ भी सेकंड, कर ले, एक कोई सेकंड, हथकड़ी अपना ले, ओके, हम वन लड़ेंगे सेकंड, वन सेकंड, वन सेकंड। मैं समझ जी। नहीं पा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, अभी आपने सुना किशोर तिवारी को, आपने सुना फराज किदवई और दीपक झा, सब कह रहे हैं लंबा चुनाव होगा, इनको बेईमानी का ज्यादा टाइम मिल जाएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, दिल्ली पंजाब में तो एक ही दिन चुनाव हो जाएगा, तो वो आरोप आप तो नहीं लगा जी सकते ना। नहीं सर, हम दिल्ली चुनाव में सिर्फ थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं, हम तो पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे इंडिया अलायंस में जहां जहां हमारा अच्छा संगठन ठीक है, है, हम पूरे मतलब देश दिल्ली में और चुनाव पंजाब लड़ रहे में हैं, ये बेईमानी हम नहीं पूरे कर पाएंगे देश ना, में चुनाव बाकी लड़ेंगे। जगह कर लेंगे। आप दोबारा बोलिए। मैं कह रहा हूं, आई एम दिल्ली और सॉरी पंजाब में ये बेईमानी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां सिंगल फेज है, बाकी जगह जहां सर, आप लड़ रहे हैं वहां ये बेईमानी जो हो मर्जी जाएगी। कर लें, ये जो मर्जी कर लें, हम अब उसमें जाते नहीं है कि ये बेईमानी करें या ना करें। इनकी बेईमानी तो पूरी दुनिया के सामने आ गई चंडीगढ़ में। इनकी बेईमानी पे तो अब बहस करना बेकार है। ये जो मर्जी कर लें, हम लड़ेंगे। हम जनता के बीच में जाके एक एक व्यक्ति को ये एजुकेटेड करेंगे ओके, कि ये गुरु ऐसी प्रकाश, पार्टी आ गई गुरु है। प्रकाश।